सभी हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों के लिए 1 जून से अभिभावक स्पेशल कोविड टीकाकरण बूथ का आयोजन किया गया। इस क्रम में बसंतपुर के नगरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बड़ी संख्या में अभिभावकों ने अभिभावक स्पेशल कोविड टीकाकरण बूथ पर पहुंचकर टीकाकरण का लाभ उठाया। इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव और अभिभावकों ने बताया। चिल्ड्रन 12 इयर्स का है, जिसका भी चिल्ड्रन है, इसके लिए हमने स्पेशली अपनी एक क्राइटेरिया रखी है कि आपको अपने बच्चे का कोई भी एक आईडी हमें दिखाना होगा, लाइक बर्थ सर्टिफिकेट हुआ, कोई भी स्कूल का उनके पास सर्टिफिकेट्स हुआ, या फिर उनका आधार कार्ड हुआ। इस बेसिस पे हम उन पेरेंट्स को हम आज वैक्सीनेट कर रहे हैं, बिकॉज वैक्सीनेशन तो हो रहा है, लेकिन अब 90% मुझे लगता है कि सभी लोग ऑलमोस्ट लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। इसलिए हमने एक पर्टिकुलर क्राइटेरियाज लगाई हुई है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा पेरेंट्स अभी रहना जाए जिसको वैक्सीन ना लगे। दैट्स वाई आज एक स्पेशल सेशन ये प्लान किया गया है UPSC बसंतपुर में, अभिभावक स्पेशल सेशन। कितना टारगेट रखा गया है और कितने दिन का ये? सर, ये ऑनलाइन बुकिंग हो रही है जिसमें हमें 150 लोगों का स्लॉट दिया गया है और ऑलमोस्ट 20 से 25 लोगों को हमने अभी तक वैक्सीनेट कर दिया है। ये कितने दिन का टाइम है यहाँ पे? सर, अभी आज हमारा फर्स्ट डे की हमें आज का स्लॉट मिल चुका है। ऑलमोस्ट हमें लगता है इस वीक हम अभिभावक स्पेशल ही करेंगे। जिले में और जगह इस तरह के कैंप लगाए जी? दो जगह हैं केवल, एक तो हमारा UPSC बसंतपुर और दूसरा हमारा एम्स। अभिभावक वाला अभियान चल रहा है जिसमें 12 साल के जिस पेरेंट्स के बच्चे हैं उनको इंजेक्शन लगेगा। सरकार की जो मुहिम है या उस मुहिम को पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है? हम लोग वैसे ही बिल्कुल फॉलो हो रहा है। यहाँ पर अभी मैं आई हूँ तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लेके आई थी, फिर फ़ोन करके मंगाए हूँ व्हाट्सएप पे, तो फिर तब हुआ है। आप लोग बच्चे के अभिभावक हैं? पेरेंट्स हूँ मैं। दूसरे के थ्रू पता चला है तो मैं ऑनलाइन उसका कराई हूँ, फिर उसके बाद से मैं पता चला है कि हाँ 12 साल के कम बच्चों को टिकट मतलब उनकी माँ को लग रहा है, तो मैं अपना बाबू बच्चे का सर्टिफिकेट लेके फिर मैंने लगवाया और मुझे अच्छा भी लगा। लगवा रजिस्ट्रेशन क्या पहले से कराई थी? जी, पहले से ही मैं कराई थी। यहाँ आने के बाद कोई असुविधा हुई थी? नो, कोई असुविधा नहीं, सब अच्छा। सरकार की किस मुहिम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी, सरकार की इस मुहिम को किस तरीके से देख रहे हैं? अच्छा है, अच्छे तरीके से जो भी है वो सब बहुत अच्छा से हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, इससे इन फ्यूचर किसी तरह की डर नहीं है।
मतलब किसी तरह का डर नहीं रहेगा। बाकी प्रॉपर अपना हैंड वॉश करना है, मास्क लगा के रहना है, सेल्फ को सैनिटाइज करना है, डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है। सरकार की इस मुहिम को आप क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का ये, खासकर छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, जिनके पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं, उनका एज कम है, 12 साल से कम एज के हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर लो रहती है ऐसे ही, जिसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया, काफ़ी सराहनीय है।